बस यहाँ पे खड़े हो कैसे आ जाए बचपन का कोई सगा दोस्त था तो एक तो राखी सावंत से जाके वहाँ नहीं जुड़ता, मेरे साथ आके खड़ा रहता। अभी मेरी साइड ऑफ स्टोरी नहीं, वो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है। मैसूर जैसे मैंने पहले भी कहा एक छोटी जगह है, मिलाओं में काफ़ी बार, तो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं ना उनके साथ मेरे वो इतने करीबी ताल्लुकात हैं। जैसे वो कह रहे थे इंटरव्यू में कि मैं पहले JW मैरिज में हूँ, मैं कहीं नहीं मिला। वो बोल रहे थे कि पहला BMW भी उन्होंने आपको शेयरिंग दिया, और वो बोले आप उनके पहले ड्राइवर थे घर के। शादी ना तो जोर से बोलिए, बहुत सारे एलिगेशन हो रहे। डक्कन हेरल्ड है जी, अच्छा कोई मेरा एडिटर तो नहीं है ना। पेपर कहता है एक MLC की गाड़ी चोरी हुई थी, इनोवा क्रिस्टा विद MLC नंबर प्लेट। चोरी का कंप्लेंट हुई थी हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में, उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे और जेल गए। नंबर 1 जो है रैकेट चलाते हैं वो है शाबाज खान, अकॉर्डिंग टू द पेपर। मैं कोई भी बातें अनसुनी कह नहीं रहा हूँ, ये पेपर कहता है। ये लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, प्लीज़ ठीक से पढ़ लेना। गाड़ी की कीमत बोली जाती है 14 से 15 लाख रुपये। जो इंसान 14 से 15 लाख रुपये के लिए चोरी करके, जब मैं ये हुआ इंसिडेंट, जब मैं ऑलरेडी जेल में था, वो भी जेल में जाके आएंगे, 14-15 लाख रुपये के लिए गाड़ी चोरी हुई है। और डेक्कन हेरल्ड ने उनको छापा है प्रॉपर के बारे में हर चीज़ की, मैं आपको शेयर करूँगा, प्लीज़ देखो। तो राखी को मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जिसको भी तुम लाती हो सपोर्ट में, थोड़ा रिसर्च करके तो लाओ उनको कि वो क्या करते हैं, केस है। अच्छा, मेरा मुद्दा स्ट्रेट चल रहा है राखी साहब, करेक्ट। ये कौन नए नए लोग आके जुड़ते हैं, क्या ज़रूरत है ये लोगों को आके जुड़ने की? मैंने किसी को लाके खड़ा किया है आज तक? आगे से चल के लोग आए थे, जैसे मेरी जो मैंने हाल ही में बहन बनाया था शर्लिन, आगे से फ़ोन करके आए थे। राश्री आगे से फ़ोन करके आए थे, मेरी बहन बनी, भाई भाई की तरह उनके साथ आज भी खड़ा हूँ। क्या मैंने उनको कहा था आने के लिए? आप कभी भी मेरे साथ कोई सपोर्टर देखते हो क्या? मैं लेके घूमता हूँ, अगर लेके घूमना चाहूँ ना, राखी के जो एविडेंसेस मुझे देते हैं, एक बहुत बड़ा आपको मंच चाहिए, इतने लोग आज जुड़ जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। मेरी लीगल बैटल है, मैं जेल गया हूँ झूठे आरोपों में, आई हैव टू स्टैंड फॉर जस्टिस। राखी जो लोगों को ला रही है, वो जो बोल रहे हैं, इंटरव्यू मैंने देखा आदिल के ऊपर, ये केस है तो आप कोर्ट जाओ ना, कोर्ट जाके लड़ो। राखी क्या प्रेसिडेंट है क्या? जो राखी के पास क्या राखी कोर्ट है? अच्छा, प्रेसिडेंट को भी हक नहीं है क्या? प्रेसिडेंट को हक है भाई बाहर बिठा के समझौता करने का? कोर्ट जाओ ना, कोर्ट नहीं है आपके पास क्या? आपके पास एक तो राखी के पास काम नहीं है कुछ करने लायक काम, जो मैं आरोप उनके लगाता हूँ उसको जस्टिफिकेशन देने के बदले नए आरोप लाके खड़ा कर देती है कि ये आदिल का ये है वो है। ठीक है, चलो राखी मान लो ये मेरे आरोप है, ये मेरे केसेस हैं, इनको कोर्ट जाने बोल, आप पे जो मैं आरोप लगाता हूँ, जो आप कर रहे हो काम, उसके बारे में तो कुछ बोलो। चलो मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं राखी के खिलाफ, लेकिन मैं बता क्यों नहीं रहा था, बिकॉज उम्रा चले गई थी हाल ही में, तो आई वॉज लाइक आने के बाद सुधर जाएंगी, तो मैं क्यों कुछ भी मीडिया ट्रायल करूँ, ये करूँ वो करूँ, आई वॉज वेरी क्वाइट। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, जिस दिन राखी आके उस दिन बैठ के एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं और रितेश शादीशुदा नहीं हूँ, और हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ करण के शो में भी ये बात को कहा है कि मेरी शादी नहीं हुई थी, वो एक एड शूट के लिए फेरे लिए गए। उसके 2 घंटे पहले राखी जब वो कॉन्फ्रेंस में आती है उस दिन, उसके 2 घंटे पहले देखो क्या बात हुई है रितेश और राखी की। रितेश का पेज है, कभी भी बोलना नहीं हमारी शादी,
कभी भी बोलना नहीं है, हम लोग दोस्त हैं, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है। मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें कह रही है वो, कभी भी मत कहना हमारी शादी हुई है, वरना आपके वाइफ के साथ भी आपके लफड़े हो जाएंगे। मैंने सिर्फ कहा है हमने बिग बॉस के लिए कुछ ड्रामा किया था, आप इसको ही कंटिन्यू रखना। ये राखी के स्टेटमेंट है। इतनी आसानी से राखी क्या बेवकूफ बनाना चाहती है क्या लोगों को? एक तो लोगों को बेवकूफ बना रही है, आप बेचारे मीडिया वालों का वक्त बर्बाद कर रही है। क्या आप लोग बहुत वेले हो क्या, जो उनको जाके कवर करती हो दुनिया में जाके दिखाने के लिए? क्या बोल रही है राखी? रितेश को बोलती है, वो आके नरेशन देती है कि हम शादीशुदा नहीं है, एविडेंस है मेरे पास उसका। इतना आसान होता है क्या इंसान को बेवकूफ बनाना? उनको ये पता है कि मेरे पास अभी ये चीजें, इसको कवर करने के लिए नए नए मुद्दे, कोई शैली आ गए, वो आ गए। मैं ये नहीं कह रहा उनको मैं नहीं जानता हूँ, उनको मैं बिल्कुल जानता हूँ। जैसे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। राखी थोड़ा तो सोच समझ के, मैं अपने आप को देखो, लास्ट 8 डेज में कहीं आया था बात रखने के लिए? नहीं, मैं वेट कर रहा था राखी क्या बोली। आज तुमने झूठ स्टार्ट किया, मैं बीच में दोबारा में आ रहा हूँ कि मुझे मेरी साइड की स्टोरी रखनी जरूरी है लोगों के सामने। शादी की एक बात करूं, वो जो तीन शादी जो बोल रही है, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरी एक ही शादी हुई लीगली। अगर रजिस्टर ऑफिस में आप जाके शादी करते हो, पहले से अगर आपकी शादी हुई है तो आप शादी नहीं कर सकते, नंबर वन टू बी नोटेड। कहाँ है प्रूफ, लाओ मुझे। आज मीडिया में उन्होंने प्रूफ बताया, प्रूफ है आपके पास? मैं उन्होंने बताया मीडिया में प्रूफ। राखी के 50 शादी हुई मेरे पास फोन में, ये बताने में और दिखाने में फर्क होता है। आपके पास है, आप जाओ एक FIR करो, फिर आके बात करो। क्या दिखाया राखी ने मुझे बताओ? एक चलो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मैं दिखाऊँ? चलो जो राखी ने आपको पेपर दिखाया है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके पास है? आपके पास है ही नहीं। चलो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, क्या वो ये पेपर्स थे? ये पेपर्स थे, मेरी एक रीसेंट फोटोशूट की एडिटेड फोटो है। अच्छा एक और बार कहूंगा राखी, थोड़ा सोच समझ के नाटक करो, ये मेरी एडिटेड फोटो है रिसेंटली। और नो प्रॉब्लम सर, इसका हम क्या कर रहे हैं ये थोड़ा बता दीजिए सबसे पहले। जो आज उन्होंने मीडिया में दिखाया है जो सर्टिफिकेट, क्लियरली आदिल की पहले शादी नहीं हुई हुई है, उनकी लीगल मैरिज सिर्फ राखी से हुई है। हम ये सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं, हमने काफ़ी रिपोर्टरों को फ़ोन भी किया है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है आप हमको दो तुरंत, तो कल के दिन हम सुबह सुबह इस रिपोर्ट को लेकर हम खुद सामने से कंप्लेंट डाल रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फेक है और हमको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और हमारी शादी को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, उसको लेकर हम खुद कल ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ हमको प्रोवाइड करिए, और अगर नहीं है तो आप खुद हमको लेके दे दीजिए, क्योंकि हम खुद सामने से उस पर इंक्वायरी बिठा रहे हैं कि अगर वो हमारी शादी हुई है तो हम उस चीज़ को सामने लाना चाहते हैं। इनका एक सवाल बोलो सर, आप कैसे मान रहे सर इस तरह से बोल रहे हैं कि शैली के बारे में? मतलब ये बोल रहा हूँ कि सर कह रहे कि मेन फोकस में रहिए, आजू बाजू को मत करिए, आप कितना मानते हैं सर लॉयर सर क्या? सी 100% दोस्ती दुश्मनी या आपके कितने सपोर्टर हैं वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप लीगली ऑन पेपर राइट हो या रॉन्ग हो, वही चीज़ राइट करेगा जो आप सबूत देते हो। कोर्ट सबूत के बुनियाद पे चलता है, फिर उसके बाद में आपका कोई भी दोस्त हो या आपका कितना भी पावरफुल दोस्त हो, मेरा हमारा ये मानना है कि हम हर चीज़ को लीगली लेके चल रहे हैं, ना कि मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं। इसलिए हम जितना होता है हम मीडिया ट्रायल को अवॉइड करते हैं। हमारा बोलना ये है कि जो भी सबूत है हमने कोर्ट में पेश किया है, हमने पुलिस स्टेशन में पेश किया है, हमारी एडवोकेट टीम्स पूरा दिन यही चीज़ करती है, कंप्लेंट्स तैयार करती है, वीडियोस देखती है हमारे खिलाफ क्या बोला गया है या क्या चीज़ हमारे अगेंस्ट में डाली गई है, उसका हम जवाब बनाते हैं और उसका जवाब हम पुलिस में देते हैं, उसका जवाब हम कोर्ट में देते हैं। तो लीगली अगर आदिल किधर भी रॉन्ग है तो हम ये बोलते हैं कि हमको चैलेंज करिए, हम उस चीज़ का जवाब देंगे। और आदिल ने अगर कोई चीज़ कोर्ट में रॉन्ग साबित किया है तो आप उसको रॉन्ग साबित करिए ना, वी आर ओपन टू इट।
लेट अस मेक इट क्लियर कि एक लीगली ब्लैक एंड व्हाइट फाइट हो, ना कि हम मीडिया में आके एक दूसरे को बदनाम करें या एक दूसरे के बाद में बोले, क्योंकि जो हमारे फैंस हैं, जो आदिल के फैंस हैं या जो राखी के फैंस हैं, वो एक अच्छे कंटेंट चाहते हैं, मीडिया एक अच्छा कंटेंट चाहती है, तो लेट अस गिव अ गुड एंड पॉजिटिव कंटेंट, ना कि एक दूसरे को उतारो। लीगली हम तैयार हैं, हम चैलेंज देते हैं कि हमको लीगली चैलेंज करिए, वी आर ओके टू। और यही बात मुझे कहना चाहिए, नहीं मुझे पता नहीं, राखी के झूठ को बहुत अच्छी तरह के छाप देते हैं, जैसे ग्रेल हो गए, हमारी सच्चाई को तो छापते ही नहीं है वो, बिकॉज वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, मैं तो एविडेंस के साथ रखता हूँ, 10 मिनट का हो गया, बस करना, उनको सिर्फ राखी के झूठ को ही छापना है, जो एविडेंटली 2 घंटे में राखी प्रूव भी कर देती है कि वो झूठी है, एक भी चीज वो नहीं छापते। क्यों? अगर आपको राखी से पर्सनली इतना इंटरेस्ट है तो उनका सच छापो ना, कहीं भी आके आप सच छापो उनके बारे में। नहीं, आप लोगों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो नाम के साथ में बात कर रहा हूँ ना उनके बारे में। अगर आपको सिर्फ उनको ही छापना है तो उनका पर्सनल चैनल बना के बैठिए आप, हमारी और राखी के कहानियां करके चैनल बनाइए, उसमें आप छापिए उनको, दिन रात उनका एंटरटेनमेंट छापिए, उनके धोखेबाजी की चीजों को ना छापिए मत। अगर छापना है तो दो साइड, देखिए सॉरी टिंडर, अगर आपको उनको छापना है सत्य भी छापिए उसके साथ, सिर्फ ऑडियंस को आप उनका झूठ नहीं पोट्रे कर। सर एक सवाल है, जैसे कि आपके जिनका नाम है वो काफी मतलब सही तरह से वो छापते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्टोरी में आपको, आपने क्या उनसे बात की, उनसे डायरेक्टली पहले एक बार कि आपको ऐसा लगा था, क्योंकि वो सबकी इसी तरह की स्टोरी। अच्छा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं कौन सी स्टोरी बोला, आप मुझे स्टोरी बोला, अभी ने रिसेंटली 4-5 पोस्ट किए, आप उठा के बोलो, उसके एविडेंट में मैं बात करूँगा, विद एविडेंस मैं प्रूफ कर दूंगा कि वो झूठ छापा। आपने कभी आपने उनके डायरेक्टली बात की, मतलब नहीं, मैंने डायरेक्टली बात नहीं की, बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ प्रॉपरली दोनों का। आपको ऐसा भी बोला गया कि आपको लड़के पसंद है, क्या बोला उसके बारे में, हमने क्या किया है ये बताइए, बताओ फोटो। देखिए, बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि यू नो न्यूड वीडियो को लेकर और कुछ वीडियोज वायरल हुए, किसने वायरल किया, क्या किया है, उस चीज़ को लेकर हम पिछले 8-10 दिन से हमारी एडवोकेट की जो टीम्स है वो उसकी कार्रवाई के पीछे लगी थी, और हम कंटिन्यूस पुलिस के संपर्क में थे। जो सबसे पहले जो हमारे पास वीडियो आया था, जिसके अंदर राखी ने ओपनली लोगों के बीच में आदिल के वीडियो को शो किया था, जो ऑप्शंस वीडियो है, जो न्यूड वीडियोज है उसको किया था, वो था सिद्धार्थ कनन के वीडियो के अंदर, उसकी स्क्रीनशॉट्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक, उस दिन हमने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। उसके बाद में हमारे पास एक ग्रुप आया, जो ग्रुप का नाम है राखी अपडेट्स, जिसके अंदर राखी ने अपने पर्सनल मोबाइल से उसके अंदर आदिल के और खुद के बहुत सारे वीडियोस को शेयर किया। ये हमने विद प्रूफ हमने पुलिस स्टेशन में दिया। अब जब ये हमारी कार्रवाई चल रही थी, जब हमारे टीम ऑफ एडवोकेट इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर फॉलोअप ले रहे थे, आदिल खुद पुलिस स्टेशन में रोज़ जा रहे थे, उसके अंदर कल एक बहुत बोलते ना एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ कि अचानक से मीडिया रिपोर्टर्स के हम लोगों को फ़ोन आने लगे, यू नो कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आदिल के न्यू वीडियो चल रहे हैं, ये ट्विटर के ऊपर वीडियो चल रहे हैं। जब हमने उसकी कार्रवाई करने गए, जब हमने पूरा उसके ऊपर ट्रैक रखा कि कहाँ से आए, ये कौन करवा रहा है, तब हमारे पास एक चीज़ आती है जो एक बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आदिल के साथ आपका जो भी झगड़ा हो, वो आपका पति था, वो उसके साथ में आपके अच्छे वक्त गुजरे हैं। और मैं एविडेंटली बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को ऑपोजिट साइड से राखी ने ही शूट किया था, उन्होंने ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था। राइट, तो राखी ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि है राखी सावन 2511 वेरीफाइड अकाउंट है, उसके ऊपर ओपनली उसने स्टेटस पे शेयर किया और साथ में वो लिंक भी दिया जो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, दैट मीन्स राखी अप फ्रंट उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। वो तो एक न्यू अकाउंट था जो जस्ट बना था। बोलना चाहते हैं कि आदिल के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि आदिल ने इस चीज़ को शेयर किया है, यही किया है, हम ये बोलते हैं आप सबूत दीजिए, लिंक्स दीजिए, कौन से वेबसाइट पे शेयर किया, अगर आदिल के मोबाइल से, आदिल के आईडी से, आदिल के आईपी एड्रेस से, तो हमने पुलिस को ओपनली बोला है कि वी आर ओपनली वेलकम टू टेक द एफआईआर ऑन आवर नेम और आदिल को सजा मिलना। दुनिया के सामने बता रहा हूँ, दो फोन यूज करता हूँ, एक एंड्रॉइड एक आईफोन, जो लोग कह रहे हैं दोनों फोन
कोई भी मेरा चेक कर सकता है, मेरे पास वीडियोस तो छोड़ो एक नॉर्मल फोटो भी नहीं है मेरे साथ, जी ने कहा कि मेरे साथ मेरे अश्लील फोटोज रखने के लिए मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता भी नहीं हूँ। मैं बहुत सादे सीधे घर से आता हूँ, बिजनेस मैन, ये सब मेरे काम नहीं है। आप जाके खुद देख सकते हो राखी के फोन वेबसाइट्स में बहुत सारे वीडियोस 2017 से 18 से हैं। और रही बात, मैं आप मेरा पूरा वीडियो चेक कर सकते हो, मेरा फ़ोन, मेरी गैलरी, मेरे फोटो, मेरे पास एक भी ऐसी फ़ोटो नहीं है जिसमें जो राखी क्लेम करती है, कोई भी ये हो या मेरा आईफोन हो। हमने जब हम कल पुलिस स्टेशन में थे, जब हमको मालूम पड़ा, क्या बोलती है कि आदिल के जो ये हैं चीज़ें हैं दोनों पुलिस ढूंढ रही है, मैसूर की पुलिस और मुंबई। मेरे फोन्स मैंने जब अरेस्ट हुआ था तब मैंने राखी के घर में ही छोड़ा था, और हर कंप्लेंट में मेरी चार्जशीट में भी मेंशन हुआ है कि वो राखी के घर में ही है, राखी के पास मेरे दोनों फोन्स आज की डेट में भी हैं। ओशिवारा के चार्जशीट में भी देख लीजिए, मैसूर की चार्जशीट में भी देख लीजिए, राखी के पास मेरे दोनों फोन हैं। और उसमें भी न्यूड वीडियोस नहीं थे, ना मैं ये काम करता हूँ, ना मुझे करना आता है, क्योंकि वो मेरी बीवी थी, तो बीवी को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं इसे बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, फिर भी ये सब चीज़ें। थैंक यू हाँ गूगल मैप।